Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes from Trends High School, and I am the science teacher of class 6. How are you, students? I hope you all are fine. Today my topic is learning to be a scientist, and I will make you able to understand this topic and also the whole chapter. So students, hamare paas hai science ka unit number 1, learning to be a scientist. साइंटिस्ट यानी कि साइंसदान के बारे में जानना या पढ़ना। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आप अपनी क्लास में साइंस का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आई होप कि आपने अच्छे तरीके से इसको समझा था। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले इसी का अगेन रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज साइंस इज कॉल्ड साइंटिस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको बताया गया था कि वो इंसान जो साइंस के बारे में स्टडी करता है, साइंस के बारे में जानता है, उसे साइंटिस्ट कहते हैं। और लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट में आपने देखा था कि ऐसी चीज़ें और इवेंट्स जो हमारे अराउंड में होती हैं, उनके बारे में स्टडी करना साइंस कहलाता है। और इस साइंस के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं, वो साइंटिस्ट कहलाते हैं, यानी कि साइंसदान कहलाते हैं। साइंटिस्ट ना सिर्फ चीज़ों को देखते हैं, बल्कि उनके बारे में न्यू क्वेश्चंस भी निकालते हैं और फिर उन पर रिसर्च कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके उनका सोल्यूशन भी निकालते हैं। और तमाम साइंटिस्ट इन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू फाइंड करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये सारा प्रोसेस जिस जगह पे किया जाता है, उस जगह को लेबॉरेटरी कहते हैं, जहाँ पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने वो स्टेप्स पढ़े थे जिनके थ्रू हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट था हमारे पास आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, यानी सबसे पहले क्वेश्चन को जानना, उसको आइडेंटिफाई यानी कि उसकी शिनाख्त करना कि वो है किस बारे में है। नेक्स्ट है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी फिर जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में बहुत सी मालूमात कलेक्ट करना। नेक्स्ट है परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, देन उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना। नेक्स्ट है रिकॉर्ड द रिज़ल्ट, उसके बाद उसके बारे में रिज़ल्ट रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट एनालाइज द रिज़ल्ट, और फिर उस रिज़ल्ट पर एनालाइज करना यानी कि उसका मुआयना करना। नेक्स्ट है रीच द कंक्लूजन, और फिर किसी नतीजे तक पहुंचना। ये वो तमाम स्टेप्स हैं जो एक साइंटिस्ट जो है वो लेबॉरेटरी में परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने लेबॉरेटरी के बारे में पढ़ा था कि लेबॉरेटरी एक ऐसी जगह है जहाँ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और एक लेबॉरेटरी बहुत से साइंटिफिक इक्विपमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, जिसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं, जो वहाँ के शेल्फ्स पर पड़े होते हैं। इसके अलावा बहुत से केमिकल्स, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स के सैंपल्स और माइक्रोस्कोप जैसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट लेबॉरेटरी में होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाना था जो एक साइंटिस्ट जो है लेबॉरेटरी में यूज़ करता है, जिसमें सबसे पहला था माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हमें छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाने में मदद देता है, जैसे कि सेल। नेक्स्ट था बैलेंस, या बैलेंस हमें किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, यानी किसी भी चीज़ का हमने वेट फाइंड आउट करना है तो हम बैलेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर, ये किसी भी लिक्विड चीज़ का वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मिल्क को लीटर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है स्टॉपवॉच, ये टाइम को मिनट, सेकेंड और आवर में मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है मीटर रूल, ये लेंथ वगैरह को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। थर्मामीटर, ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और टेम्परेचर को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स जो लेबॉरेटरी वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें फर्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर, नेक्स्ट है मेजरिंग फ्लास्क, ड्रॉपर, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्यू गेज। ये वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक लेबॉरेटरी में यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में भी जाना था जो लेबॉरेटरी के अंदर यूज़ होते हैं, जिनमें फर्स्ट ये था कि आप अपनी टीचर्स की परमिशन के बिना किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते लेबॉरेटरी में, और टीचर्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, और जो भी ऑपरेटर्स या इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे वो बैग अपनी जगह पर रखेंगे। अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाती है तो इसके बारे में फ़ौरन आप लेबॉरेटरी इंचार्ज को इन्फॉर्म करेंगे,
और कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने हैंड्स जो हैं वो वॉश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं। हमेशा केयरफुली से काम करेंगे और लेबॉरेटरी में ना तो कोई चीज़ खाएंगे और ना ही शोर करेंगे और ना ही खेलें कूदेंगे, और हर ऑपरेटर्स को यूज़ करने के बाद क्लीन करके रिटर्न करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वो तमाम रूल्स हैं जिनको आप लेबॉरेटरी में जाने के बाद फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपका जो 6th क्लास का साइंस का फर्स्ट यूनिट था, लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट, इसको रिवाइज किया है। आई होप कि आपको अगेन इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज रिवाइज कर लेंगे और देन हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।